हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो फॉर्मूला बताने से पहले थोड़ा सा आपको फील दूं मैं कि बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। तो चलिए आइए जरा पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अपन फील ले लें। मान लें कि कोई सी भी रिजिड बॉडी है जो किसी एक्सिस के अबाउट, ये मान लो एक्सिस है ना, ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ये घूम रही है अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो ये छोटी सी चीज है जो आई होप कि आपको मालूम होगी, लेकिन मेरे ये लफ्जों में भी सुनिए कि कोई सी भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कुछ भी हो, तो ये एंगुलर वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स के लिए होंगी। मतलब जितनी भी पार्टिकल्स होंगी बॉडी की, वो सारी पार्टिकल्स घूम रही होंगी इस एक्सिस के अबाउट। एक्सिस ये है आपका, ये जो मार्कर दिखा है मैंने, और सबकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा। ये प्योर रोटेशन में है बॉडी, ये बॉडी जस्ट रोटेट कर रही है। तो इसकी जितने भी पार्टिकल्स होंगे, ये बॉडी तो फिक्स है अपनी जगह पे ये, और ये रोटेट कर रही है, तो आप किसी एक पार्टिकल पे नजर डालोगे तो वो पार्टिकल आपको ये घूमता हुआ सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा। ऐसे बिलियन जिलियन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बॉडी में जो इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रही है, कोई पास है कोई दूर है, कोई पास है कोई दूर है, कुछ ऐसा। तो जैसे मान लें आप कि एक पार्टिकल है ये, जिसकी मास है m1, ये पार्टिकल यहां से r1 डिस्टेंस पे, तो अगर ये पार्टिकल r1 डिस्टेंस पे है तो ये रिजल्ट बॉडी है, डिस्टेंस तो ये चेंज होगी नहीं। रिजल्ट बॉडी क्या कहते हैं, रिजल्ट बॉडी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जिसमें दो पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस कभी चेंज ना हो। तो अगर ये रिजल्ट बॉडी है तो ये दूरी तो रहेगी फिक्स है ना, और जब ये बॉडी घूमेगी तो ये भी ऐसा घूमेगा, ये r1 रेडियस के सर्कल में मूव करेगा। तो r1 रेडियस के सर्कल में मूव करेगा, कितने एंगुलर वेलोसिटीज हैं, ओमेगा। तो सर्कुलर मोशन पढ़ा हमने कि इसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी, v1 इज इक्वल टू ओमेगा r1। वैसे मान ले कि यहां पे एक पार्टिकल है मास m2 का, और ये दूरी है पार्टिकल की एक्सिस से r2। तो इस पे अगर आप गौर करोगे कि m2 पार्टिकल क्या कर रहा है, तो ये आपको घूमता नजर आएगा सर्कल में, और सर्कल रेडियस कितनी होगी r2, एंगुलर वेलोसिटी कितनी ओमेगा, वो सबके लिए वही ओमेगा। तो इसकी भी एक वेलोसिटी होगी लीनियर टेंजेंशियल v2, जो कि होगी ओमेगा r2 के बराबर। सर्कुलर मोशन में चीजें पढ़ चुके अपन, ये वीडियो में डाल चुका हूं ऑलरेडी, अगर नहीं पढ़ा तो आप रेफर करिए वो वीडियो। वैसे ही कोई पार्टिकल यहां पे मान ले m3, ये एक्सिस से पार्टिकल की दूरी मान लो r3, तो ये r3 रेडियस के सर्कल में घूमता नजर आएगा, तो इसकी टेंजेंशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, v3 इज इक्वल टू ओमेगा r3। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे सिस्टम के अंदर, मैंने जस्ट 3 पे फोकस किया, ऐसे मिलियंस बिलियंस बोला ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है और हर पार्टिकल का एक कॉन्स्टेंट लीनियर स्पीड है, ओमेगा r1, ओमेगा r2, ओमेगा r3, ओमेगा r4, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो पूरे सिस्टम की अगर काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, मैं बोलूं कि भैया इस रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½mv². तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं है ना, हर पार्टिकल की मास अलग अलग है, हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है, काइनेटिक एनर्जी क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। तो हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जोड़ दें अपन तो पूरे सिस्टम के अंदर जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए आइए, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, ROT रोटेशनल का शॉर्ट फॉर्म लिखा मेरे, तो इस पार्टिकल की बात करेंगे तो ½mv² इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, इस पार्टिकल की बात करेंगे तो ½m2v² इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे अगर ½m3v3²
और ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सिस्टम के अंदर, तो इन सारी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जोड़ दें तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और रोटेशन इसलिए काम ले कि बॉडी अपने एक्सिस के बाहर रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के बॉडी बॉडी रोटेट कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, है ना, तो ये प्योर रोटेशनल मोशन है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कैसी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम वन वी वन, कितना है आपका ओमेगा आर वन के बराबर, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वेयर आर वन स्क्वेयर। सेकंड है वैसी हाफ एम टू वी टू की जगह लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वेयर आर टू स्क्वेयर, वी टू इज इक्वल टू ओमेगा आर टू। सिमिलरली हाफ एम थ्री ओमेगा स्क्वेयर आर थ्री स्क्वेयर एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स हो सिस्टम के अंदर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मिल गया हाफ, अगर कॉमन कर दें, अगर हाफ निकाल के सब में बाहर, ओमेगा स्क्वायर भी सब में कॉमन है बाहर निकाल दें, तो यह आ गया एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन ब्रैकेट के बाहर ओमेगा स्क्वायर। अब लीनियर या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करेंगे आप याद करें कि कोई सी भी बॉडी मास एम की बॉडी अगर वी वेलोसिटी से चल रही होती थी तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते थे अपन ट्रांसलेशनल मोशन में, हाफ एम वी स्क्वायर, ये हम पहले से जानते हैं, है ना। अब इस इक्वेशन के अगर कंपेरिजन करें आप तो यहां पर रोटेशन मोशन में वी की जगह पे यहां पर ओमेगा नजर आ रहा है आपको और मास की जगह ये वाली टर्म नजर आ रही है, ध्यान से देखना जरा, ये वी स्क्वायर की जगह यहां पे नजर आ रहा है ओमेगा स्क्वायर और मास एम की जगह पे आप देख रहे होंगे ये सारा टर्म यहां से लेके यहां तक। तो मास अगर ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो इसी तरीके से ये वाली टर्म अगर ज्यादा होगी तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर एम थ्री आर थ्री स्क्वायर सो ऑन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं पूरे एक्सप्रेशन को आई से और इसी का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर। ये सबसे बेसिक सबसे पहला डेफिनेशन आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जैसे जैसे क्लासेस एडवांस होंगी आगे बढ़ाऊंगा मैं और सारे वीडियोस पोस्ट करूंगा तो स्टार्ट यहीं से करूंगा और इसके एडवांस वर्जन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन चलिए आपके सामने जाहिर है पता चल गया आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, ये मास का एनालॉगस, मतलब कि ट्रांसलेशनल मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन में जो रोल मास का है रोटेशनल मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। मास अगर ज्यादा हो तो उसे रोकना मुश्किल, उसे मोशन में लाना मुश्किल, जानते हैं ना लॉ ऑफ इनर्शिया। वैसे ही अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी तो उसे रोटेशन में बॉडी को लाना मुश्किल होगा और अगर बॉडी रोटेट कर रही होगी तो उसे रोकना मुश्किल होगा। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है एनालॉगस टू रोल ऑफ मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। और लगे तो वो देख लिया आपने कि रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया हाफ, इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन ने बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये चीज भी आ गई अपने सामने और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी पढ़ना थोड़ा सा क्लियर हुआ अपने यहां पे। तो आपके सामने एक फॉर्मूला हाजिर है समेशन एम आर स्क्वायर। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स है सिस्टम में तो आर क्या है ध्यान दो, आर है पार्टिकल का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये नहीं कि आर घूम के मेजर कर रहे हैं अपन, आर ये देखो एक्सिस ऐसी है ना, ये तो देखो ये डिस्टेंस कैसी है एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो आर वन जो है वो है पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी या पार्टिकल रोटेट कर रही है उस एक्सिस से, उस एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री।
वीडियो पॉज करिए और ये सारे एक्सप्रेशन नोट कर लिए, हम क्लास को बढ़ाते हैं आगे सर्टेन इलस्ट्रेशन लेके। जहां पे पहला इलस्ट्रेशन, एक स्क्वायर फ्रेम है, हर कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं, चार पार्टिकल्स हैं ए बी सी डी, हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल है जिसकी मास है स्मॉल एन। ये जो कनेक्टिंग रॉड्स हैं उससे लगभग वो लगभग नियरली मासलेस हैं, बोला हमने फ्रेम रॉड्स आर मासलेस। तो इस स्क्वायर फ्रेम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है आपको, तीन एक्सिस दिए उनके अबाउट, पहला अबाउट एन एक्सिस ए बी, ए बी से बात करती है एक्सिस, एक साइड है स्क्वायर फ्रेम की, साइड उनको बतानी थी, ये साइड ए है, साइड ए। दूसरी एक्सिस है बी डी डायगनल वाली, और तीसरी ये सेंटर से पास करती हुई, सेंटर से पास करती हुई और स्क्वायर फ्रेम की परपेंडिकुलर। तो आइए पहला देखते हैं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी, ध्यान दे इस एक्सिस के अबाउट। अब जरा ध्यान, जो इन दो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, हमने क्या पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर, एम मास ऑफ द पार्टिकल और आर पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से। तो आप जरा ध्यान से देखना, ए बी से गुजरने वाली जो एक्सिस है इस पे दो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों ए और बी वाले पार्टिकल, इन दोनों पार्टिकल की एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, जीरो, ये तो ऑलरेडी एक्सिस पर ही है, तो इन दोनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जीरो। तो जो पार्टिकल्स एक्सिस पे लाई करेंगी उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो एक्सिस से कोई डिस्टेंस है ही नहीं, उनकी जीरो है। इन दो पार्टिकल्स की डिस्टेंस एक्सिस से जीरो, इन दोनों पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, कॉन्सेप्ट ये मिला कि जो पार्टिकल्स एक्सिस पे लाई करेंगी उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। तो अब कौन सी पार्टिकल्स बची, सिर्फ ये दोनों बची हैं, तो इस पार्टिकल की एक्सिस से दूरी कितनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ध्यान रखो, तो स्क्वायर है ना ये, तो ये परपेंडिकुलर दूरी है ये, तो इस पार्टिकल की दूरी यहां से ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस पार्टिकल की भी दूरी यहां से ए, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हो गया इस पार्टिकल का एम ए स्क्वायर और इस पार्टिकल का मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। तो ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया टू एम ए स्क्वायर। अब दूसरी एक्सिस कौन सी एक्सिस, बी डी डायगनल वाली, ये वाली एक्सिस, डायगनल वाली एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो कॉन्सेप्ट अभी बताया मैंने आपको कि पार्टिकल्स लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन हैव जीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस से कोई दूरी होगी तो ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट बीवी की बात करें तो क्या कोई ऐसी पार्टिकल है कि इस एक्सिस के अबाउट उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो, जी हाँ आपको नजर आ रहा होगा। बीडी वाली एक्सिस की बात करेंगे तो ये जो दो पार्टिकल्स हैं बी पे और डी पे, ये एक्सिस पर ही है, तो इन दोनों पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, जीरो, कुछ भी नहीं। तो इन दोनों पार्टिकल का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नहीं, तो बची कौन सी पार्टिकल्स, ये दोनों। हमें मालूम है कि स्क्वायर के डायगनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, तो ये है 90 डिग्री, तो बस डायगनल निकाल लें, उसका हाफ कर दें, तो स्क्वायर का डायगनल कितना होता है भाई, रूट टू ए, और ये दूरी कितनी है, डायगनल का हाफ, ये दूरी कितनी है, डायगनल का हाफ। तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो मास और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेक्टेंगल होता तो नहीं होता, फिर ये रेक्टेंगल में डायगनल्स 90 पे इंटरसेक्ट नहीं करते, है ना, स्क्वायर में इंटरसेक्ट करते हैं 90 पे। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पार्टिकल की जो डिस्टेंस चाहिए एक्सिस से, वो कैसे डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 90 पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये डिस्टेंस कैसी है, परपेंडिकुलर ही है। तो यहां आ गया मास एम और दूरी कितनी है, ये एम आर स्क्वायर होता है ना, तो यहां पे आर जो है, आर डिस्टेंस जो है वो डी बाई टू, तो आ गया डी बाई टू का स्क्वायर मास, और ये भी दूरी वही डी बाई टू, तो एम इन टू डी बाई टू का स्क्वायर, मतलब कितनी आ गई वैल्यू, एम डी स्क्वायर बाई फोर प्लस एम डी स्क्वायर बाई फोर, मतलब ये जोड़ के आ गया एम डी स्क्वायर बाई टू, और d कितना है भैया, d है रूट टू है, तो रख दो d स्क्वायर करेंगे, अगर आप d स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का एक स्क्वायर आ गया टू ए स्क्वायर बाई टू, टू टू कैंसिल, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर। थर्ड
सेंटर से, इस सेंटर सी नहीं बोलना चाहिए मुझे, लिख देता हूं सेंटर, आप वरना सी ये ना समझ बैठे, सेंटर, सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस, इस एक्सिस से, तो इस एक्सिस से जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल डी बाई टू दूरी पर, ये भी डी बाई टू दूरी पे, ये भी डी बाई टू दूरी पे, ये भी डी बाई टू दूरी, सारे पार्टिकल्स हैं, अगर ये एक्सिस लोगे आप तो हर पार्टिकल यहां से डी बाई टू डिस्टेंस पे है, तो एम एम आर स्क्वायर, आर की जगह डी बाई टू, और हर पार्टिकल की वही दूरी है, चार पार्टिकल्स हैं तो इनटू फोर कर दो, तो ये आ गया एम डी स्क्वायर बाई फोर, इंटू फोर कैंसिल, एम डी स्क्वायर, और डी कितना है आपका रूट टू है, तो रूट टू ए का स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा टू, मतलब आ गया टू एम ए स्क्वायर। छोटा सा फॉर्मूला आई इज इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना अभी हम सीख रहे हैं, हमने ये पहला सवाल करा, पहला इलस्ट्रेशन करा हमने, आई होप कि अब आपको बातें समझ में आने लग गई होंगी, वीडियो पॉज करें, ये एग्जांपल नोट कर लें, और जब मैं अगला इलस्ट्रेशन दूंगा तो पहले अटेम्प्ट आप खुद से करें। ये रहा आपका सेकंड इलस्ट्रेशन, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, हर कॉर्नर पे पार्टिकल वही एम मास की, विड्थ ए लेंथ बी, कह रहे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस एक्सिस के अबाउट, ये है एक्सिस, तो इस बार डायगोनल कनेक्ट करने से काम नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल 90 पे इंटरसेक्ट करता है, तो बड़े आराम से पिछले वाले स्टेशन में काम कर लिया हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये चाहिए, एच एच सिमिलर ट्रायंगल है ना दोनों, ये दोनों, ये भी एच ही होगा, तो हमें ये एच चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो निकाल पाएंगे तो ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहां पे दो पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, कौन से पार्टिकल्स, वही जो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ये और ये, सिर्फ इन दो पार्टिकल्स का होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, डायगोनल मिला दोगे तो काम होगा नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स 90 पे इंटरसेक्ट नहीं करते, तो हमें एच चाहिए होगा, कोई ऐसी बड़ी बात है, सिंपल ज्योमेट्री निकाल लो, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू विड्थ ए बी, इस वाला ट्रायंगल इस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो इस वाले ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल की एरिया कितनी होगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस वाले ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है तो वही हाफ इंटू बेस, बेस ही रहा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हाइट एच, ये आ गया ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्लस वन, आ गया एच इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच मिल गई ए बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गई एच की वैल्यू, अब क्या बचा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन से मालूम चली गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से कौन रोक सकता है आपको, निकाल दीजिए प्लीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट, तो आ गया एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच, तो एम एच स्क्वायर प्लस एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही एच है प्लस एम एच स्क्वायर, ये आ गया टू एम इंटू एच स्क्वायर, ये आ गया 2m h स्क्वायर करेंगे तो आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये रूट कैंसिल बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गई आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात, अब हम चलते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ, एक और इलस्ट्रेशन देखें आप, 2D में आपने दोनों डायग्राम फिगर देखे, अब 3D में भी देख लो, चलिए आगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ये रहा एक डायग्राम, ये रहा एक सिस्टम 3D में, एक क्यूबिकल फ्रेम है, कनेक्टिंग रॉड जो है वो है मासलेस, और हर कॉर्नर पे पार्टिकल है मास m की, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, क्यूब की साइड है a, सारे साइड्स हैं a,
तो निकालो मैं पार्टिकल्स के निर्मित कर देता हूं आओ पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हाँ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 ये लाइक कर रही है एक्सिस पे, इसलिए इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 0। चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पार्टिकल 3 की बात करें तो पार्टिकल 3 यहां से कितनी दूरी पर है, वही इस एज ए है ना, क्यूब का एज, ये क्यूब है, ये सिस्टम है क्यूब, तो ये यहां से ए दूरी पर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम ए स्क्वायर। पार्टिकल 4 ये भी ए दूरी पर, एज है ना क्यूब का, क्यूब का एज साइड है क्यूब का, तो प्लस एम ए स्क्वायर। पार्टिकल 5 की बात करें तो 5 भी यहां से ए दूरी पर, तो प्लस एम ए स्क्वायर। पार्टिकल 6 की बात करें तो ये भी एज है, ये भी ए दूरी पर, तो प्लस एम ए स्क्वायर। पार्टिकल 7 की बात करें तो पार्टिकल 7 डायगनल है, ये इस एक्सिस का डायगनल है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी फिर रूट 2 है, ये ए तो यहां से ही हो गई दूरी रूट 2 है, तो आ गया ये दूरी यहां से ये रूट 2 ए, तो एम इन टू रूट 2 ए। थ्री डायमेंशनल डायग्राम में इसमें देख के लग रहा हो कुछ लोग के मन में सवाल उठ सकता है कि सर पार्टिकल की जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लेते हैं अपन तो वो होनी चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं लग रहा, परपेंडिकुलर ही है बिल्कुल परपेंडिकुलर। आप अपने कमरे में इमेजिन कर लें और लाइन खींच के देखें तो समझ में आ जाएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से, और पार्टिकल 8 इसकी भी दूरी यहां से ये रूट 2 है, तो प्लस एम इंटू रूट 2 ए एम आर स्क्वायर। अब ये जोड़ दो क्या फर्क पड़ता है, आई इज इक्वल टू मिल गया 1, 2, 3, 4, 4 एम ए स्क्वायर, एम इंटू रूट 2 ए स्क्वायर आ गया 2 एम ए स्क्वायर प्लस 2 एम ए स्क्वायर, तो सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई 4, 2, 6, 2, 8 8 एम ए स्क्वायर। थ्री डायमेंशनल फिगर्स को आप खुद में विजुलाइज करेंगे तो और बड़े समझ में आएगा, जो मैंने अभी बताया वो आप मान लो कि आपका कमरा हर किसी कमरे के बिकल ही होता है ऑलमोस्ट, तो आप मान लो हर कोने पे एक पार्टिकल रखी है और वो दूरी बड़े आराम से देख सकते हो। तो ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, अभी जो हमने आज के सेशन में पढ़ा वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यहां पर डिस्क्रीट अलग अलग पार्टिकल्स नजर आ रही थी, रॉड हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, इन सारे केसेस में स्टार्ट करेंगे पार्टिकल को, बेसिक कॉन्सेप्ट पार्टिकल का ही होगा लेकिन वहां पे कैलकुलस की भी पड़ेगी जरूरत। तो आज के सेशन को अपने एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रॉड और अलग अलग सिस्टम्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर, आप इसे चाहे तो नोट कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।